वेलकम बैक। हम इनफैक्ट पार्टनरशिप में एडमिशन वाला टॉपिक कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो उसमें हमने सिंपली बोला कि भाई बहुत सिंपल बात है कि जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो उसमें चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि वो आज तक का प्रॉफिट है या आज तक का लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन में 27 कर रहे थे जिसमें आपको स्लिप बोला गया था जर्नल एंट्रीज कर लो। लास्ट लेक्चर में हमने आधा किया था, फिर लाइट चली गई थी। ए पार्ट और बी पार्ट कर लिया था, अब सी पार्ट है फर्नीचर इक्विपमेंट, सॉरी इक्विपमेंट 95,000 डेप्रिशिएटेड बाय 15,000। मुनाजा क्या हो रहा है इसमें? आपके पास एक इक्विपमेंट है, वो आपका एसेट है, उसको आपने रिवैल्यूएशन के वक्त डेप्रिशिएट करना है 15,000। मतलब उसकी वैल्यू उसमें 95,000 थी, बट ये ये कौन सा म्यूचुअल क्वेश्चन है? अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 27 मैं रिटायरमेंट पे हूँ। एडमिशन में इलस्ट्रेशन नंबर 27 मेरी बुक में पेज एक नंबर 4.36। मिनट, 1 मिनट, 20। ताहिबा, ताहिर, आप दोनों ने खोल दिया ना बुक? जी सर, चलो हाँ ताहिबा सर, बेटा तुम बोलो। बताओ, इक्विपमेंट 95,000 का है और डिसाइड होगा कि इसको 15,000 वैल्यू कम करनी है, मतलब किस किस के लिए? रिवैल्यूएशन के लिए। अभी ने बोला 15,000 से एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हाँ, तो इक्विपमेंट इसमें हमने बोला चाहे लॉस हो या फायदा हो वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे अकाउंट। क्योंकि एसेट को कम करना है तो एसेट को मॉडर्न अप्रोच में कम करते हैं, तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो इक्विपमेंट अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे? जी रिवैल्यूएशन सर, रिवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बोला तुमने। मतलब पेज नंबर किस क्या है स्कूल में पढ़ते हो, सर? गवर्नमेंट हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में कहाँ पे? हाँ, सर, वनापुर, वनपू। के साउथ रोजान। अच्छा, तुम जी सदर सर, के साथ हो ना? ठीक जी सर, है। डी पार्ट, व्हीकल्स 1,40,000 डेप्रिसिएटेड टू 1 लाख। ताहिर, आपकी गाड़ी है 1,40,000 की, तो आपने बोला नहीं इसकी वैल्यू हम मानेंगे 1 लाख, तो कितना कम करेंगे? जी सर। पेज नंबर क्या है क्वेश्चन पेज नंबर 4.36 है। सर? 1 सेकेंड, कहाँ पे सर, कौन सा पार्ट है सर? सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 27 डी पार्ट ठीक है सर। मिला। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस सर सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, तो को 40,000 से कम करना है। तुम्हारा यस सर। एग्जाम कब है? मकलोवा सर दिसंबर में, खान दर के मिसेस खान दर, हाँ कजिन को सर, कजिन तो की थी। समझी महाराज पूछो। महाराज तो मैं मगर सब पार सुनो को में किए हुआ ना जो शक। अच्छा, सर मैं वीडियो बना रहा था। तो तुम थे ही नहीं पिक्चर में कहीं। ई पार्ट मुनाजा बताओ क्या है? स्टॉक ऑफ ₹18,000 ऑफ इज 6,000 इज ऑब्सलीट। आपके पास स्टॉक 18,000 है बट उसमें से बोल रहे हैं 6,000 का ऑब्सलीट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो 6,000 से स्टॉक को कम करना है, तो कम करना तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू स्टॉक, खत्म स्टॉक अकाउंट। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है? होना, इलिमिनेट। खत्म हुआ, नहीं जो खत्म हुआ जिसको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। एफ पार्ट, डेटर्स 25,000, प्रोविजन 10% रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स के लिए प्रोविजन करना है 10%, तो डेटर कितने? 25,000। 25 का 10% होता है रिवैल्यूएशन 2,500, तो अकाउंट एंट्री क्या डेबिट टू करेंगे? ताहिर प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा, प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नहीं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर को कम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है बेटा, आप नॉर्मली जब बोलते हो डेटर्स के लिए प्रोविजन करना है 10%, तो एंट्री क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन नॉर्मली पीएनएल से डेबिट होते हैं, बट यहाँ पे पीएनएल नहीं बना रहे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यस आई सर। बेटा आप जी पार बताओ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,000 इज अनरिकॉर्ड। आपके आपने आपने बैंक से लोन लिया है उस पर 2,000 का इंटरेस्ट है, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे क्या बनेगी लाइबिलिटी? जी सर, या आपको और देना है, आपने अभी तक की लाइबिलिटी बुक नहीं किया, आपने एक एक्सपेंस बुक नहीं किया है, तो आपने ये जी एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, उसको क्रिएट करोगे लाइबिलिटी को, कितना है? 2,000। तो ये इनकम नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन इनकम नहीं है, ये क्या है? राइट लाइबिलिटी है। ठीक है,
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मुनाजा बेटा, हाँ यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, उसको लगेगा यार इंटरेस्ट तो क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो इनकम होती है, ये तो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस मुझे क्यों कर रहे हैं इसलिए आप। इसी बोल रहा है ना कि मैं मतलब अनरिकॉर्डेड है ये। हाँ तो यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, वो समझेगा कि ये गलत एंट्री होगी है, वो ये बोलेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट को डेबिट कर दो, ठीक है। अगर जी है तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, है ना, तो लाइबिलिटी ऐसे क्रिएट करें। बट अब क्योंकि वो ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली इंटरेस्ट रिवाल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 9,000 है, इट इज रिड्यूस टू 6,000। हालांकि ये एच जी पार्ट से एफ पार्ट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, वहां पे बोल रहा था प्रोविजन 2,500 का क्रिएट करना है, बट ठीक है हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रिड्यूस रहे हैं, कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 6,000 है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम क्योंकि ये कर रहे हैं अभी एंट्रीज कर रहे हैं, हम करेंगे जो भी बोलेगा। अब बोल रहा है प्रोविजन 9,000 था आरडी, उसको 6,000 ही रखना, तो इसमें 3,000 का आपका फायदा हो गया। यहाँ पे आपने पहले प्रोविजन ज्यादा किया था, अब वो रिवर्सल करना है, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ द प्रोविजन। तो इसमें क्या हुआ, आपने पहले पीएनएल से 9,000 निकाला था, अब पूरा नहीं 9,000 नहीं निकालना था, 6,000 निकालना है, तो 3,000 एड बैक हो जाएगा। तो प्रोविजन आपका 9,000 है, उसको कम करना है, प्रोविजन इज एज गुड एज लाइबिलिटी, आप उसको कम करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, उसका प्रोविजन फॉर डॉट फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस है, लाइबिलिटी। उसको कम करना है तो क्या करेंगे ताहिर बेटा, क्रेडिट करेंगे, नहीं वो क्रेडिट ऑलरेडी है ना, उसको कम करना है, तो क्रेडिट को कम करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट डेबिट करेंगे। दो। प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड डाउटफुल डेट डेविएशन कितना अकाउंट में बेटा, क्रेडिट करना। 3,000, और ये आपका काइंड ऑफ फायदा हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पैसा ज्यादा निकाला, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 3,000। एचसीयू को आई पार्ट 200 शेयर्स ऑफ ₹100 वर रिटन ऑफ यूअर्स एगो, नाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फाउंड टू बी 10। आपके पास पहले 200 शेयर्स थे ₹100 के, तो आपके पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और एक वक्त आया था आपको लगा था इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने उस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ किया था, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक से हटा दिया था, आपने शेयर्स खरीदे थे और आपको लग रहा है कि लॉस है और लॉस परमानेंट है, तो आपने उनको हटा के पीएनएल से खत्म किया था, तो जितना भी लॉस था इन्वेस्टमेंट से वो अपने पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट को बुक से हटा दिया है। आज की डेट में पता चल रहा है उसकी वैल्यू 10,000 है, तो आपका क्या हो गया है, इट इज एज गुड एज अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके डेबिट हो पास गया। इन्वेस्टमेंट थी शेयर्स में जिसका आज की डेट में 10,000 वैल्यू, और आपकी बुक्स में कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर लिया था, तो अब आपको एक एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मेरा एसेट रहेगा, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसको मैं डेबिट करूंगा डेबिट और टू 10,000 का लाइबल। फायदा हो गया, इसको मैं क्रेडिट करूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक 10,000। जे पार्ट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 4,000 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये साइलेंट है कि भाई डिवेंचर्स आपने एज अ कंपनी जो है, अब देखो यहाँ पे एक टिपिकल क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, डिबेंचर होते क्या है वो समझने की जरूरत पड़ती है। पता है किसी को डिबेंचर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट डेट्स। कोई और प्रैक्टिकल आंसर, मतलब जिन जिन पे जिनको हमें इंटरेस्ट तो जो है ना वो हमारे लिए चार्ज होता है, वो हमें देना ही देना होता है। सर एक्रूड किनको? इनकम वो इनकम होती है जो डिबेंचर कौन इशू करता है, पहले ये बता दो, सर कंपनी सर कंपनी कंपनी सर करेगी ना। कंपनीज करती है, जो कंपनी होती है उसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ये तुम आगे पढ़ोगे, हमने तो वहां से उठाता है पढ़ा था वो, तीन तरीके होते हैं बिजनेस करने के, या तो सोल प्रॉफिट होता है, या तो पार्टनरशिप होता है, या कंपनी होती है। कंपनी कंपनी होता है। में क्या करते हैं, हम एक कंपनी बनाते हैं कुछ शेयर होल्डर्स, तो वो जब ये कंपनी बना लेते हैं फिर कंपनी को होते हैं पैसों की जरूरत, सोर्स सोर्सेस होते हैं प्रोपराइटरशिप उसके। में प्रोपराइटर आता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लाते हैं, और कंपनी में पैसा लाते हैं शेयर होल्डर्स। और कैसे लाते हैं, कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, उतने तक का वो शेयर्स देता है, तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है शेयर्स देती है किनको, शेयर होल्डर को, और वो खरीदते हैं, तो यहाँ पे फिर शेयर कैपिटल आती है, तो शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया वो शेयर कैपिटल होता है। अगर उसके बाद भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो एक तरीका होता है वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, क्या करते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर, तो डिबेंचर बेसिकली सपोज उसने 100 रुपया का डिबेंचर इशू किया, एक मतलब एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपया, इस तरीके से उसने 1,000 कर दिए इशू, तो इसने 1,00,000 रुपया मार्केट उठाया। अब लाख। सपोज ये मैंने खरीदे है 1,00,000 के डिबेंचर, अब इस पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट होता है सपोज 10%, तो मुझे हर साल 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और जिस साल ये रिडीम हो जाएंगे उस साल मुझे कंपनी ये 1,00,000 रुपया वापस देगी। इस तरीके से ठीक कंपनी ने लोगों से पैसा उठा लिया। एक और तरीका है फिर लोन, वो पार्टनरशिप में भी होता है,
यहाँ पर भी होता है, पब्लिक बट डिपॉजिट्स दो भी बड़े बड़े तरीके होते हैं पैसा उठाने का, एक शेयर कैपिटल के थ्रू, दूसरा डिबेंचर के थ्रू। अब हम है। पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोला इनके पास डिबेंचर है, तो इट मीन इनने डिबेंचर तो इशू किए नहीं होंगे क्योंकि ये कंपनी है नहीं। तो इट मीन्स अगर अप्रूव्ड इंटरेस्ट डिबेंचर पर लिखा है, इट मीन्स इन्होंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं और उस पर इंटरेस्ट अप्रूव हुआ है 4,000, इनको 4,000 इनकी इनकम है। ठीक। ये हाँ समझ आई आया नहीं आता अंडरस्टैंड। हूँ, तभी मुझे ये हाँ बेसिक देना जरूरी पड़ रहा है। डिबेंचर कौन इशू कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म डिबेंचर इशू नहीं करती, डिबेंचर ना कंपनी ना इशू कर रही है। अब अगर ये बोल रहा है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पार्टनरशिप की बुक्स पे, इट मींस उनके पास डिबेंचर्स है किसी कंपनी के। अब वहां पे जो इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब भाई 4,000, सपोज ने 40,000 खरीदे थे, 40,000 पे 4,000 इंटरेस्ट अक्रू हो गया, मतलब ये 4,000 इनको मिलेगा। तो ये आपकी इनकम है, तो ये आपकी इनकम है, तो इसको आप एंट्री नॉर्मली क्या करते हो, आप एंट्री करते हो इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, फ्री इंटरेस्ट को आप पी एन एल करेंगे। पर यहाँ पे आप सीधे करेंगे एसेट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड। एक मिनट, मेरा ये हैंग हो गया। तो ये आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा जिसके बेसिस पे तुम्हें 4,000 रुपये पे कॉल को मिलेगा, ठीक है ना? तो एंट्री हो जी जाएगी सर। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एसेट तो रिवैल्यूएशन क्रिएट हो गया। तो एक बार समझ आया, जी सर। ये आपका एसेट क्रिएट हो गया, 4,000 को आपको मिलेगा पैसा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको फायदा हुआ, ठीक है ना? जी सर। बेसिकली जो एंट्री होती है नॉर्मल केस में, जब अक्रूड इंटरेस्ट होता है, अगर आपको पता चलता है कि आपको 4,000 का इंटरेस्ट मिला है, मिलने वाला है, तो आपका एक एसेट क्रिएट होता है, या तो आपको नॉर्मली क्लियर हो जाता हूँ, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज एफडी है, वहां पे इंटरेस्ट जब अक्रू होता है तो एंट्री क्या होती है? एक तो आपको पैसा मिलना है, अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट, एक इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी। नॉर्मली ये होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सपोज आपको ये 4,000 मिला बैंक से या कंपनी से, तो आप बोलोगे आपके पास कैश है 4,000, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो आपने इसको क्रेडिट किया, तो एसेट आया कैश, उसको डेबिट किया और इनकम आपकी होगी, उसको क्रेडिट किया। अगर ये कैश कभी नहीं आया तो आप एक एसेट क्रिएट करते हो अक्रूड इंटरेस्ट, क्या क्रिएट हाँ, करते हो? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एक्रूड डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट बिट चार इंटरेस्ट। हजार तो ये आपकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,000, ठीक है? जी सर। फिर क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, तो एंट्री करते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि आप ये इनकम होती है, ठीक है ना? 4,000, तो जी सर, जी सर। ये 4,000 4,000 खत्म हो गया और पीएनएल में 4,000 इनकम जाए। तो अगर मैं पीएनएल बनाता हूँ तो इसका पूरा इंपैक्ट होता है, यहाँ पे आता है पीएनएल में हाँ बाई जी। जीपी, और यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ, ये बहुत आपका क्या ज्यादा रहा? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। क्या कहलाई जाती है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने डेबिट किया और टू पीएनएल क्रेडिट किया, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ पे आपको तो ये इस साइड डिबेंचर्स आएगा। होगा सपोज 1 लाख के, और यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट होगा 4,000, हाँ ये भी आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट है। तो बैंक से आपको अभी चार, ओके। कंपनी से आपको 4,000 मिलेगा इंटरेस्ट का, और ये, और जब फिर कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है उस वक्त आप एंट्री करोगे। अब क्योंकि आपने अक्रूड इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया, उस वक्त आपके पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू अक्रूड इंटरेस्ट, ये एसेट जो है, अब इसमें पैसा आ गया तो ये क्रेडिट हो जाएगा। नेट इंपैक्ट अगर देखोगे वही हो गया जो उस केस में डायरेक्टली होता था। अब क्या हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट और अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट खत्म, खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, जी सर, जी सर। नेट में कैश डेबिट हुआ और हाँ पीएनएल क्रेडिट हुआ। और यहाँ पे हमने क्या किया, अभी अक्रूड इंटरेस्ट, अभी तो पैसा मिला नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, अल्लाह अल्लाह कैश, ठीक है? कल को पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये सारा कर लिया हमने, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा था, बट मैं खुद से इसका एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में चलो ओल्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सारे, ठीक है ना? देखते हैं फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। क्वेश्चन में नहीं बोला था बट मैं खुद से करा रहा हूँ उसको। मुझे बताओ, गुडविल के सारे क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने? प्लीज जी सर, जी सर। अनसॉल्व सारे करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा मुझे बता देना, हम करेंगे। प्लीज फॉर हेवन सेक क्वेश्चन सारे कर लेना, क्योंकि फिर दिक्कत होती है लास्ट में ना, अगर अकेले करोगे ना फिर लास्ट में बोलोगे कि अभी नहीं करेंगे। तो अभी भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कर लेना, जो इसका लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस टॉपिक का, तो जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे आपसे उनको मैं करा दूंगा, ठीक है ना? चलो जी सर। पहली पहले केस में क्या हो रहा था, बिल्डिंग का, अब देखो ऊपर जो एंट्री थी उसी से देखो,
बाय बिल्डिंग. बिल्डिंग अकाउंट अभी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय बिल्डिंग, बाय. ठीक है। अब मैं ऊपर नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली कर दूंगा, बट आई होप आपको आइडिया होगा। हाँ रिवैल्यूएशन बाय अकाउंट क्रेडिट, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं ना, अगर बाय बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग. बनाते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, बट अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय बिल्डिंग 36,000, ठीक है। उसके बाद क्या था, फर्नीचर एप्रिशिएटेड टू 18,000, तो 15,000 से और बढ़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट अकाउंट, कितना, 15,000। 15,000. उसके बाद क्या हो गया, इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट खरीदा तो डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएटेड बाय 15,000, तो इससे लॉस हो जाएगा, तो इक्विपमेंट हो जाएगा 15,000. 15,000। उसके बाद क्या था बेटा, व्हीकल आपने वेहीकल और 40,000 कम कर दी, तो व्हीकल 40,000। 40,000. उसके बाद आपने प्रोविजन क्रिएट किया, नहीं स्टॉक स्टॉक डेप्रिशिएट किया, तो एंट्री हो जाएगी टू स्टॉक। टू ताहिर स्टॉक. समझा तरान, ताहिर यस सर. हाँ यस सर यस सर समझा तरान, ठीक। यस सर उसके बाद टू प्रोविजन हाँ, टू प्रोविजन 2,500. फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन से शर्त, तो इंटरेस्ट ऑन ये बैंक लोन भी आपका नुकसान हो रहा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन थाउजेंड पीएल दिस आस, अब ये बाय फायदा हो रहा है बाय प्रोविजन. प्रोविजन फॉर डीडी 3,000। ओ हाँ 3,000. थ्री थ्री बाय उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है 10,000 का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000.10,000 का इन्वेस्टमेंट शेयर पूरा का बाय एक्रूड। बाय करोड़. अब देखो कौन सा हिस्सा बढ़ा है, अगर क्रेडिट हिस्सा बढ़ा है तो फायदा हुआ, अगर ये बढ़ा है तो नुकसान हो गया, टोटल करो दोनों हिस्सों को, बताओ कौन सा बढ़ा है और कितना है। क्रेडिट साइड है 68,000. और ये नहीं होगा यही ज्यादा. बढ़ा है फिर, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट 65,500 है. 65,500, तो माइनस ये करेंगे कितना होता है, 25,000, 25,500 प्रॉफिट है। जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो ए और बी में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पीएसआर में, ठीक है ना। जी ओल्ड सर. पीएसआर इस अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं नहीं आया है, तो सपोज इक्वल. इक्वली था तो 1,250 को 1,250, ठीक है। अब हाँ जो इसकी बैलेंस शीट बनेगी वो नए वैल्यू में बनेगी, ठीक है। जी सर. क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे आ जाओ, फ्लक्चुएशन 28 है इसके वेरी बाद ही है, ठीक है ना। नीड्स टू ब्रिंग कैपिटल स्टॉक इज डेप्रिसिएट. आप लोग मुझे इतना बता दो, ऑनेस्ट फीडबैक बता दो, अभी तक जितना पढ़ा है अच्छे से समझ आया, हाँ जी सर. आया अच्छे से सर. ऐसा तो नहीं है कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है। अच्छे ना ना अच्छे 20 जितने गमी ज्वाइन, वाजिद ने ज्वाइन किया, नातिका ने ज्वाइन कर लिया, चलो सर. हमें ये परसों लिया क्लास में इसको सरप्राइज टेस्ट एडमिशन को. फिर। फिर आया अच्छा बट हमने तो अभी पूरा नहीं पढ़ा एडमिशन, उसने जहाँ पे मतलब हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे ना गुडविल आपने पढ़ाया था उसमें. जी, तो फिर आपको उसने अच्छा हो गया वहां पे। हाँ हाँ जो कॉम्प्रिहेंसिव उसने रखे थे ना वो जो था ना ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्यूमुलेटेड मैंने वो खुद ही किया. मुझे आया वो. वो तो वही है ना, जो चेंज इन पीएसआर किया, आपको हाँ इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है, अब मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं कुछ कंसेप्ट थोड़ी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ना कंसेप्ट वही है जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। वही वही हमने किया ना उसमें. उसने हमें चार क्वेश्चंस रखे चार टॉपिक में लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसने नहीं रखा था लेकिन हमें आया. गुड, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 28 जल्दी देखते हैं। हनी एंड बनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 इज एज फॉलो, जिनकी बैलेंस शीट है एसेट्स ऐसे मैं देखूंगा, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लायबिलिटी साइड से दो लायबिलिटीज है, एक क्रेडिटर है आपके बिल्स पेबल, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। सनी है सोशल वर्कर हु प्रोवाइड्स एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द फर्म ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो इन्हें हाँ इसको लाया और उसको बोला कि भाई तेरे को 1/3 दे दिया, ठीक है। हाँ सनी यूज टू ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल, सनी को 12,000 कैपिटल का लाना है, स्टॉक इज डिक्रीज बाय 2,000, फर्नीचर वैल्यूड एट 23,000, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, सनी क्रेडिटर्स हैव गिवन अप द क्लेम ऑफ 500 रुपीस, प्लस द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर जनरल कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, तो आपको जनरल एंट्रीज करनी है सबकी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, सनी यूज टू ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल,
सर हम जर्नल एंट्री नहीं, हम रिवेल्यूशन अकाउंट इसको बनाएंगे। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हाँ अब क्या बोल रहा है, तो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर और बैलेंस शीट। किसने कैपिटल अकाउंट के बारे में बोला है बट रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में नहीं बोला है, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वही सर ना, उसीलिए मैंने बोला ठीक है कैपिटल मैडम, अकाउंट के। हाँ बताओ सर साहिब। जो एक एंट्री जो है सनरी इज ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, सर ये समझाओ जरा। सनी इज टू ब्रिंग 12,000 एज इज कैपिटल। सनी को आपने पार्टनरशिप में लाया ना, उसको 1/3 शेयर बोला है तेरे को मिलेगा, बट उसको बोला तेरे को कैपिटल लानी पड़ेगी 12,000। मुफ्त में तो लाओगे नहीं ना उसको, तो सर सनी कैपिटल लाएगा पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए 12,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सनी कैपिटल अकाउंट 12,000। सर यस सर बताओ यस सर यस सर और कोई डाउट? देखो नो सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। मुझे याद रखना इस चीज को। यस तो सर सर कैपिटल अकाउंट रिक्वेस्ट। में फिर दिखाएंगे ना इनके कैपिटल में कि हाँ वो आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बगैर भी कर सकते हो, मैं कर दूंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा। सर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में क्या डिफरेंट है सर, डिफरेंस? ये कौन पूछ रहा है? सर मैं नाम 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 सर वाजिद। बेटा, रोज आया करो प्लीज। हाँ ये जो तुम यस डाउट सर बना इसलिए हो रहा है क्योंकि रोज आते नहीं हो, प्लीज रोज आया करो। अनरिकॉर्डेड अभी जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 सपोज, उसका मतलब क्या है, अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी नहीं दिख रही है और आज पता चल रहा है यार एक बंदे को 15,000 देना, तो ये तो आपको उल्टा नुकसान हो गया ना और आपका यस सर लॉस हो गया ना, दैट्स अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, उल्टा है उसका। रिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में है, अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, चाहे वो एसेट या लाइबिलिटी। यस अगर सर अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया तो आपके लिए फायदा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो आपका नुकसान है, ठीक है ना? यस सर एवरीथिंग दैट इज इन द बुक्स इज रिकॉर्डेड, ठीक है ना? प्रॉब्लम अनरिकॉर्डेड पर है। मुझे लगता है मैं इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं कराऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को जी वैसे ही सर, कराऊंगा मैं अभी जैसे यही इसको बोलने करना है, वाली, ठीक है? जी सर मैं अभी यही बोलने वाली, क्योंकि मुझे पांच द रिवैल्यूएशन नेसेसरी के बाद जर्नल में। एंट्रीज। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, सबसे पहली जर्नल एंट्री बता क्या हो, सनी लाएगा 12,000 की कैपिटल, स्टेट बैंक ऑफ कैश अग्नि अकाउंट, कैश चलेंगे, सनी अकाउंट डेबिट टू लाएगा बारह सनी, हजार की कैपिटल तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सनी इज एज्यूमिंग क्या कैश लाया, था, ट्वेल्व कैश अकाउंट डेबिट टू सनी इज कैपिटल अकाउंट। और प्लीज थाउजेंड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है और तुम जाके करने लगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। अरे वो तो तब है ना भाई जब क्या करना है, आपने गुडविल निकालनी है या बाकी चीज है, अगर वो सब चीज नहीं है तो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालना ही नहीं है, ठीक है? स्टॉक कैश अकाउंट डेबिट टू सनी इज कैपिटल अकाउंट 12,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे चीज पढ़ो, इज डेप्रिसिएटेड बाय 2,000 स्टॉक इज डिप्रिसिएटेड बाय 2,000 रुपीज। अब मुझे बताओ स्टॉक रिवैल्यूएशन कितना था, 11,000, अब वो 2,000 से कम करना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट आंसर कोई नहीं टू देखेगा, आंसर कोई नहीं देखेगा। मुझे बताओ क्या आपको यह समझ आया, स्टॉक को 2,000 से जी कम करना, तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, एसेट को कम करना होता क्रेडिट करेंगे, ठीक है? जी और डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड फर्नीचर इज फर्नी वैल्यूड एट 23,000। फर्नीचर कितना है बेटा, 20,000 उसको 23 करना है, तो रिवैल्यूएशन उसको बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, फर्नीचर बढ़ाना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट को आपको बढ़ाना है तो एंट्री हो जाएगी टू फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डेबिट 3,000, रिवैल्यूएशन जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। यहां तक समझ आया? जी सर, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट रिवैल्यूएशन करना है, तो अकाउंट मशीनरी में डेबिट आपको नुकसान हो जाएगा, कितने से, 5%। मशीनरी कितनी है, 22,000। 22,000 का 5% कितना होता है, 1,100 तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी को कम करना है तो ये सर, आपका लॉस हो रिवैल्यूएशन जाएगा, अकाउंट डेबिट टू ये आपका मशीनरी। लॉस हो जाएगा, हाँ तो एसेट को कम करना पड़ेगा, बाहर जी बेटा सर, एसेट को कम करना पड़ेगा तो आपका लॉस हो जाएगा, एसेट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट, एसेट का नाम मशीनरी 1,100, और वो कौन करेगा पियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद क्रेडिटर्स हैव गिवन अप क्लेम ऑफ 550। क्रेडिटर्स को कितना लेना था, 18,000। व्हेन यू गिव अप समथिंग उसका मतलब क्या होता है, आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ देना। छोड़ हाँ दिया। आपको याद है पहले एलपीजी पे सब्सिडी और ये सब चीज मिलती थी, तो मोदी ने क्या किया, जब ये आया बोला एक स्कीम निकाल दी गिव अप सब्सिडी, जिसके पास इनकम ज्यादा है 10 लाख से ज्यादा है वो खुद ही सब्सिडी गिव अप कर ले। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ छोड़, देना। मतलब कभी कभी मैच होता है जो वो बोलते हैं यार ही गिव अप, कोई पास नहीं होता वो बोला ही गिव अप, उसने छोड़ दिया। यहाँ पे क्रेडिटर्स ने आपका क्लेम छोड़ दिया 550, ये आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ, वाजिद फाइव सर, वाजिब फायदा का फायदा फायदा हुआ नुकसान हुआ, कैसे फायदा सर। फायदा हुआ बताओ। सर
जो सब्सिडी है सर। अरे सब्सिडी छोड़ दो ना, क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ। क्रेडिटर पूछ दो, क्रेडिटर कौन होता है? सर सर हम क्रेडिटर सर लाइव जिनको सर लाइबिलिटीज पे जिनसे हमने करते हैं उधार में उनको। माल लिया था वो हमारे यस सर। क्रेडिटर थे। इनको मुझे 18,000 देना है। इनने बोला कि 550 हमने तेरा माफ कर सर दिया, तो मेरी यहाँ लायबिलिटी कम पे होगी, तो मेरा तो फायदा हो गया। यस सर यहाँ पे छोड़ दिया, डिस्काउंट हुआ सर। बिल्कुल, तो मैं एंट्री करूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जितना भी फायदा हो गया उसको तो मैं ट्रांसफर करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यस तो सर। सारी एंट्रीज हमने कर ली, ये कर दी, उसके बाद तो हाँ कोई नहीं है। बट रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो मुझे किनको ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स रिलेटिव। को। अब मुझे क्या हुआ, चार एंट्रीज थी जिसमें रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है ना। तो हाँ हाँ अगर मैं ऐसे देखूंगा कैलकुलेशन, मैं वर्किंग नोट एक बनाता हूँ, ठीक मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, या आप लास्ट में बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट ठीक किसमें हुआ था? फर्नीचर पे 3,000, फर्नीचर पे 3,000, क्रेडिटर और किसमें हुआ था? क्रेडिटर पे पे 550, टोटल फाइव। हुआ 3,550। तो हाँ, जब माइनस करो, माइनस क्या हुआ, स्टॉक का आपका 2,000 माइनस हुआ, और मशीनरी का आपका कितना माइनस हुआ, 1,100। तो 1,100, टोटल कितना हुआ प्रॉफिट, 450, 450। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है 450, वो किसको ट्रांसफर करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड ओल्ड डायरेक्शन पार्टनर में। को। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, अगर आप इसमें अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट का एक प्रॉफिट। लेफ्ट लेते हाँ, हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डिफरेंस बचा है उसको डेबिट करेंगे, उसमें क्रेडिट बचा है ज्यादा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 450। आप तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे, बनाओगे तो खुद से उसमें देखना है। तो तो हाँ, नीज मनी कैपिटल इज अकाउंट कैपिटल वो बनना है अकाउंट मुझे, 300। 300। हाँ, तो बनी बनी कैपिटल अकाउंट 150। इसके बीस बाद का आपको ये एक पार्ट हुआ जनरल एंट्रीज, दूसरा पार्ट क्या है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। अब इधर पार्टनर कैपिटल कितने, अकाउंट, पार्टनर 3 है बेटा, हनी बनी एंड सनी, हनी बनी बनी सनी। सनी। हनी बनी सनी बनी 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 HBS। चलो पहला क्या था, बाय बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन, 30,000, 21,000, 12,000। नहीं 30,000 और 20,000। बाय बैंक हाँ, अकाउंट, वो बाय कैश होगा। अब बाय फिर कैश। सनी ने लाया कैश। अब देखो आपने जनरल एंट्री सारी देखी है, सनी ने लाया कैश 12,000। 12,000। उसके बाद पार्टनर के अकाउंट सिर्फ 2 बार इफेक्ट हो गए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट से 300 और 150। 300 और 150। उसके बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये आपका निकला टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका आएगा 30,300, इसका आएगा 20,150, और इसका आएगा 12,000। ठीक 12,000 है, जी सर। उसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस बैलेंस शीट भी बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले कैश, कैश कैश आपका पहले था कितना, 8,000, 8,000, फिर उसने मैंने लाया बाद बारह में हजार दिया ठीक है तायबा। ट्वेंटी उसने थाउजेंड पहले कैश था आपकी बिजनेस में 8,000, फिर उसने लाया 12,000, तो कैश हो गया 20,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक आपने बोला 2,000 से कम करना है, तो पहले 11,000 था, उसमें से 2,000 कम किया, तो स्टॉक लिख दिया 9,000। उसके बाद डेटर, तो डेटर आपके थे 15,000, सेम ही रहेगा। डेटर को कुछ नहीं किया, तो डेटर आपका दिखेगा 15,000 में। उसके बाद आप फर्नीचर, अच्छी फर्नीचर पहले 20,000 था, आप अपने बोला इसको बढ़ा देंगे, इसको दिखाएंगे 23,000। ठीक है, मशीनरी हाँ आपने कम कर लिया, मशीनरी आपने कम किया, पहले 22,000 था, उसमें से 1,100 कम कर लिया, तो ये आपका ट्वेंटी बढ़ा थाउजेंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड हंड्रेड नाइन हंड्रेड जी सर। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आपके 18,000, उसमें से 550 ने माफ कर लिया, तो ये आपका बचा 17,450। जी उसके सर, बाद था आपका बिल्स पेबल, उसमें कुछ हुआ नहीं, सेवन वो 7,000 थाउजेंड ही है। उसके बाद आपके कैपिटल है, कैपिटल आपका हनी बनी सनी। हनी की कैपिटल ऊपर से आ गई 30,300, इसका आ गया 21,150, और इसका आएगा आपका 12,000। ट्वेल्व
मैंने ऊपर गलत लिखा था क्या? ये 20,000 नहीं था, नहीं 21,000 था। 21,000 था ना बनी का, हाँ 21 21,500। तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट जहां से आ गई, तीनों 87,900 आ रहा है। कैपिटल। अरे नहीं मतलब टोटल बैलेंस नहीं, का इसका पहले टोटल बताना, तीनों कैपिटल्स का। 0,5,3,7,2,10,5,6। अब इसका टोटल करो, 0,5,5,7,7,14,7,7,14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 ,
उसके बाद ये 0 0 9 9 तो 5 तो 10, 3 10 7 केरी, 2 5 जी तो ठीक है, हो सर। गया मैच, हाँ यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। जी सर। अच्छा अब मैं दूसरा केस बताता हूँ, ये हमने चेंज इन पीएसआर में किया था। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि देखो रिवैल्यूएशन तो हम कर रहे हैं, अच्छे से समझो 2 मिनट के लिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, रिवैल्यूएशन हो गया। हाँ बट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जो ऊपर क्वेश्चन किया कि हम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे। अगर पार्टनर्स बोलेंगे कि रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद एसेट्स रिवाइज वैल्यू पे दिखेंगे, जैसे हमने ये कर लिया। अब कभी पार्टनर्स बोलेंगे कि नहीं हम रिवैल्यूएशन करेंगे बट जो एसेट्स है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगी जितने में एडमिशन से पहले हो रहा था। क्यों, वो बोलेंगे कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो उसके हिसाब से करेंगे, ये हम आज की डेट में बोल रहे हैं कि यार नहीं ये इतने में लगेगा उतने लगेगा, वो हमारी वैल्यूएशन पर्पस है बट बुक्स में हम नहीं छेड़ेंगे। समझ आई बात, ठीक, बुक्स में हम नहीं नहीं छेड़ेंगे, ये हमने छेड़ेंगे। चेंज इन पीएसआर में किया था, नहीं किया था। हाँ, जी दे तो इसमें डू नॉट हमें क्या वांट करना है, ऑर्डर। बहुत ही सिंपल है। केस नंबर 2 है, इफ द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो द एसेट्स ओब्लिक और लाइबिलिटीज एट रिवाइज्ड वैल्यू, उसमें हम क्या करें। अगर रिवाइज वैल्यू में था तो आपने सीधे बोला भाई निकालो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड। ओल्ड रेशो में अब अगर आप बोलेंगे नहीं इनको ओल्ड रेशो नए वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, नए वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे मतलब वो ओल्ड वैल्यू पे ही दिखेंगी, हाँ ओल्ड वैल्यू पे दिखेंगी बट फ्यूचर में तो वो नए प्रॉफिट पे बिकेंगी, फ्यूचर में वो जो बिकेंगी तो उसमें तो ज्यादा पैसा नहीं। आएगा, तो उसमें क्या हाँ हो जाएगा, नए पार्टनर को मिल जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल केस है। इन दिस केस कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालोगे वर्किंग नोट में, ठीक है, जिससे बढ़ रहा है उसको डेबिट करोगे, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो बढ़िया गया, लॉस हुआ तो लेस करोगे, नेट नेट में आपका निकलेगा फिर लॉस है कि प्रॉफिट है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर आपको अच्छे से याद होगा रिकॉर्ड से, वहां पर भी हमने यही बोला था, द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है और आपने बुक्स में छेड़ा नहीं इनको, तो इसको तो आप कल छेड़ोगे, तो कल तो फिर नए पार्टनर को भी मिलेगा, तो आज की डेट में ही जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। बट अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कंपल्सरी गेनिंग पार्ट। विल कंपनसेट, क्यों, लॉस था ये तो इनको बियर करना था, अब आपने आज बियर नहीं किया तो फ्यूचर में जब बियर करोगे तो उस बेचारे को भी लॉस बियर करना पड़ेगा, तो आज इसको कंपनसेट किया गया, सेकंड पार्टनर्स विल कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर। समझ आई बात। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन कोई मैं पहले करा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हुआ था, 450, ठीक है।
देखो अबे, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन हमें करना है और हमें बैलेंस शीट में नई वैल्यू नहीं दिखानी है, उस केस को कैसे हम करेंगे क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, इन इलस्ट्रेशन नंबर 28, लेट्स एज्यूम दैट पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट रिवाइज्ड वैल्यू। तो हम पहले वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया? 450। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया? वो तो वैसे ही निकलेगा ना, नहीं आ रहा समझ? अरे ये तो करोगे ना, बुक्स में छेड़ना नहीं है, बट ये कैलकुलेशन तो करोगे ना भाई। फर्नीचर पे 3,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये मान ही गया कि इतना वैल्यू है, बट बुक्स में नहीं छेड़ेंगे। बुक्स में नहीं छेड़ेंगे तो रफ पे तो कैलकुलेट करेंगे ना भाई। फर्नीचर में 3,000 का फायदा हो रहा है, क्रेटर से 550 का फायदा हो रहा है, टोटल 3,550 का फायदा हो रहा है, बट दो जगह में नुकसान हो रहा है, नेट में 450 का फायदा हो रहा है। तो 450 का फायदा यहाँ भी निकलेगा, 450 का फायदा निकला। अब जी सर। देखेंगे गेनिंग पार्टनर कौन है, सी सनी। तो सनी को शेयर कितना बनेगा? 450 का 1/3, तो हाँ सनी को 150 लाना पड़ेगा। सनी को ठीक, 150 लाना पड़ेगा, और वो मिलेगा किसको? हनी और बनी को। और बनी को अब हनी और बनी का शेयर क्या था? 2:1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं कि भाई उनका सेक्रीफाइस भी किस रेशियो में हो गया? 2:1 में। तो वन हनी को में कितना मिलेगा? 150 का 2/3, 100 रुपया। और बनी को कितना मिलेगा? 150 का वन वन बाई बाई थ्री थ्री 50। तो एंट्री हम करेंगे, सनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 150, टू हनी इज कैपिटल अकाउंट 100, टू बनी इज कैपिटल अकाउंट 50। ये एक एंट्री पास करी है, ठीक है? सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे हम, कोई और जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। और सनी जो कैश लाएगा उसकी एंट्री हो जाएगी, बाकी जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज होगी वो एंट्रीज कोई नहीं होगी। जो हमने अभी एंट्रीज की थी ना, ये रिवैल्यूएशन वाली, वो कोई नहीं होगी, ठीक है ना? सिर्फ कैश लाएगा सनी 12,000, और नेट इम्पैक्ट हमने निकाला रिवैल्यूएशन में 450 का फायदा हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सनी जो है, क्योंकि फ्यूचर में तब जब 450 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो सनी को मिलेगा 150, तो सनी आज की डेट में कंपनसेट करेगा। और बाकी एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो हम बुक वैल्यू में ही दिखाएंगे। देखो आप बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? वैल्यू छेड़ने नहीं है, ठीक है? क्रेडिटर्स कितने में आएगा? 18,000। 18 बिल्स पेबल कितने में? 7,000 7,000। सारे उसी वैल्यू पे दिखा दो। कैश, कैश है 8,000। कैश 8,000 है, बट वो 12,000 ला भी रहा है ना, तो जो हाँ होगा वो तो एक्चुअल हो जाएगा ना। कैश 8,000 था, अब वो 12,000 ला रहा है, तो कैश कितना होगा? 20,000। इसका मतलब है जिन एसेट्स में आपने रिवैल्यूएशन कर दिया वो रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं दिखाओगे, वो ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाओगे, ठीक है? कैश के बाद क्या था? स्टॉक, स्टॉक कितने में दिखेगा? 11,000। 11,000 में। और फिर है कितने में डेटर्स दिखेगा? 15,000, फर्नीचर कोई चेंज नहीं हो जाएगा, अन्य चित्र कुछ नया एसेट आ गया। उसके बाद क्या था? 20,000, फर्नीचर 20,000 पे दिखेगा, मशीनरी 22,000। मशीनरी 22,000, ये इसी पे दिखेगा। अब कैपिटल देखो, हनी की कैपिटल कितनी थी? 30,000 हनी थी, की 30,000 हाँ थी हनी की कैपिटल, और 100 आपने जर्नल एंट्री कर ली, 100 उसको बढ़ा दिया, तो हनी का कितना हो गया? 30,100। 100। बनी का कितना था पहले? 21,000, और उसको दिया 50 रुपया और, तो ये 21,050 हो गया। बारह सनी ने कितना लाया था? 12,000, वो हजार कितना डेबिट किया? 150। तो उसकी डेढ़ सौ कैपिटल कितनी बची? 11,850। अब इसका टोटल करो, 0,550 फर्स्ट ऑफ नाउ, नाउ तक सिक्सटी का थ्री 63। जितना आप क्रिएट, 5 तक 63,000, ठीक है? टोटल करो, 88,000। यहां से टोटल करो, समझ आया? तो ये दूसरा तरीका है। पहले तरीके में क्या होता था, पार्टनर्स बोलते थे कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को नए वैल्यू पे दिखाएंगे, तो उसमें आप क्या करते थे,
सब एंट्रीज करने हैं, बिकॉज आपको एसेट को बढ़ाना है अगर बढ़ना है, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है अगर वो बढ़ना है, जो भी होगा वो करना है, तो उसके लिए आपको एसेट में छेड़ना पड़ेगा ना। मुझे बताओ मुनजा के बगैर, मुनजा क्यों करके बैठो, सबके सबसे मुझे आंसर रहना चाहिए, जैसे अरे मुनजा तो आप है। तक नीचे कीजिए इसको, स्क्रॉल में उतारती ऊपर जाऊं मैं थोड़ा, है। हाँ जो आपने लिखा था ना, इन दिस केस स्टॉप वन स्टॉप टू, वही मुझे होता क्या तरीके समझ। तो नजर आएगा। हाँ बाकी लोग सुनो, पहले क्या होता था, नए से बताता हूं मैं, अच्छे से समझ लो प्लीज। जब एडमिशन हो जाएगा, अब बात आएगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, इस वक्त गुडविल और बाकी सब चीजें भूल जाओ। अब बात आ रही है एसेट्स को रिवैल्यू हो जाएंगे, एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया, मान लिया भाई स्टॉक इतने के वैल्यू माना जाएगा, डेट इतने का माना जाएगा, मशीनरी इतने का माना जाएगा, करंट इतने का माना जाएगा, बिल्स लायबिलिटी इतने का माना जाएगा। अब इस सब के बाद क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। नो अब बात आएगी कि सर, पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स दो चीजें बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई जो हमने एग्री कर दी ना वैल्यू, अब नई बैलेंस शीट जो अब फर्म की बनेगी जिसमें तीसरा पार्टनर भी होगा, नए वैल्यू पे दिखेगी। अगर ऐसा हो ना, उनने बोल दिया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में सर हमने जो एसेट को बोला बढ़ाना पड़ेगा, उसको नए वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट को नए वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा तो एसेट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा, बुक्स में अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। एसेट अगर आपका स्टॉक 11,000 का था, ना यू आर सेइंग कि एसेट इज ओनली ऑफ 11,000, 9,000 ओनली, तो आपको स्टॉक को कम करना पड़ेगा। जो ही आपको स्टॉक को कम करना पड़ेगा, तो आपको पता है अकाउंटिंग में आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना, उधर पेज पे जाओगे स्टॉक कहाँ है, उसको 11 को काट के 9,000 करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आप अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करते हो, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हो, तब जाके लेजर में हिट हो जाएगा ठीक। तो आपको अब स्टॉक को 2,000 से कम करना पड़ेगा, तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये आपको करना पड़ेगा। और फिर स्टॉक अकाउंट में जाना पड़ेगा लेजर में, वहां पे स्टॉक को 2,000 कम करना पड़ेगा, तभी आपको स्टॉक का बैलेंस दिखेगा 9,000, और नई बैलेंस शीट में फिर वो वैल्यू 9,000 दिखेगा। जैसे फिर फर्नीचर का था, फर्नीचर 20,000 का था, वो आपने बोला 3,000 से फर्नीचर को बढ़ाना है, तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर जाके फर्नीचर अकाउंट को हिट करना पड़ेगा, वहां पे उसको डेबिट करना पड़ेगा 3,000, तभी जाके उसका बैलेंस निकलेगा 23,000, और बैलेंस शीट में फिर फर्नीचर 23,000 निकलेगा। तो अगर पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हमें रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट मतलब बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, और अकाउंट्स में फिर वो लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके बैलेंस शीट में वो रिवाइज वैल्यू पे आ जाएगा। और उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हो गया, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट यूनिट, बिकॉज दिस प्रॉफिट और दिस लॉस पर्टेन्स टू द पास्ट प्रॉफिट्स, तो नए पार्टनर को इसके साथ कुछ नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पीएसआर में। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है, जी सर, सर क्योंकि नेट जी में क्या होगा, या तो एसेट बढ़ेंगे या तो कम हो जाएंगे। एसेट नेट में, नेट एसेट बढ़ गए तो आपका फायदा हो जाएगा, फायदा क्रेडिट करोगे पार्टनर्स को, तो एसेट भी बढ़ गए नेट में और पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ गई। और अगर वो लॉस हो गया तो नेट में एसेट्स कम हो जाएंगे और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएंगे, बाय वे ऑफ ट्रांसफर इन द लॉस द पार्टनर्स कैपिटल। फाइन, जी नाउ केस सर नंबर टू, द पार्टनर्स आर सेइंग कि हमें बुक्स में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना है, बिकॉज हमारी जो अकाउंटिंग रूल्स है उससे इंपैक्ट आ जाएगा, हमारी जो अकाउंटिंग है उसका इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई हमारी पार्ट फर्म, अगर सपोज हमारे हमने बैंक से लोन लिया या बाकी लोग है, वो जब हमारी बैलेंस शीट देखेंगे उसको समझ नहीं आएगा कि यार लास्ट टाइम तो ये फर्नीचर 20,000 का था, कोई फर्नीचर इन्हें खरीदा नहीं है, 20,000 कैसे हो गया, उनको कैसे समझा देंगे। भाई हमने पढ़ा है कि एसेट्स को आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स में दिक्कत आएगी फिर डेप्रिसिएशन की, वहां पे वो मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम जितने में था बैलेंस शीट पे उतने पे ही दिखा देंगे जो नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, बट हाँ यस, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन द रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एसेट और लॉस, हम आउटसाइड द बुक्स हिसाब करेंगे। तो आउटसाइड द, क्योंकि हमें बुक्स चेंज नहीं करनी है, तो हम पहले देखेंगे रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ कि नुकसान हो गया। अब जो सपोज रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया, अब क्योंकि बुक्स में हमने नहीं छेड़ा, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये फ्यूचर में बिकेगा। सपोज फर्नीचर हमने 20,000 ही रखा, बट वो बिकेगा कितने में, 23,000 में। जब वो 23,000 में बिकेगा तो जो नया पार्टनर है उसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको वो 3,000 में 1/3 मिलेगा 1,000 रुपया, स्टॉक में उसको लॉस हो जाएगा, क्रेडिटर में उसको फायदा हो जाएगा, मशीनरी में उसको लॉस हो जाएगा। नेट इंपैक्ट में क्या हो जाएगा, उसको जब 450 का प्रॉफिट फर्म को मिलेगा, उसको भी 150 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जी सर ठीक है, हमने तो छेड़ा नहीं अभी, छेड़ते बुक्स में जो भी फायदा है लॉस का ओल्ड पार्टनर को देते, बट क्योंकि हमने छेड़ा नहीं, तो ये 450 का फायदा फ्यूचर में कभी हो जाएगा, फ्यूचर में जब ये कभी 450 का फायदा मिलेगा, इसमें से 1/3 किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर को, तो न्यू पार्टनर उतना शेयर दे देगा किनको, ओल्ड पार्टनर को, किस रेशियो में, जिस रेशियो में उनका सेक्रीफाइस होगा, ठीक है।
सर जी आपने सर, कहा यस सर, सर हाँ बेटा सेक्रीफाइंग बताओ। रेशो गलत, सर सेक्रीफाइंग रेशो आपने गलत कहा कि हमें एज्यूम करना है 2:1 में, यहाँ पे एज्यूम करना है लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, फिर सीनियर शेयर लिखना पड़ेगा 1/3। बताओ बताओ फिर आगे बताओ, वो कितना निकले। सर वो रेशियो मैंने निकाला था, सिर्फ जो हनी है वही सेक्रीफाइस करता है 1/3। कैसे बेटा, सर मैंने टोटल शेयर ऑफ द फर्म निकाला था, उसके बाद न्यू तुमने शेयर गलत निकाला किया, था। रुको रुको रुको, गलत कर रहे हो। मैंने ऐसे ही नहीं बोला है जो, तो क्या वो तुम्हारे साथ कहीं गलती होगी। मैं तुम्हारा ही बोलता, लेट टोटल शेयर भी वन, बैलेंस शेयर कितना बचा, 1 - 1/3, यस सर, 2/3। तो हनी का शेयर कितना होगा, 2/3 का, इंटू 2/3। 2/3। हनी का शेयर था ना 2/1, यस सर, अरे हनी और बनी का 2/1 था ना, तो हनी को 4/3। 2/3 का 2/3 मिलेगा, इक्वल टू 4/9। हाँ 9 to 9। और बनी का शेयर कितना होगा, 2/3 का 1/3, बाय 3 का 1/3, इक्वल टू 2/9। बनी नाइन का कितना होगा, 1/3 into 3/3, 3/9। अब इनको इनका जो रेशो है वो 4:2 है, टू इज वन थ्री है ना आठ ताहिर, ये तो आपका न्यू रेशो निकला ताहिर, सर मैंने 2/3 बोल समझ आ गया, दूसरा बोल। तो उसकी आवाज कहाँ आ वाला रही है। हनी का सेक्रीफाइस निकालो, ओल्ड माइनस न्यू। हनी का ओल्ड कितना था, 2/3, और न्यू कितना है, 4/9। थ्री सेम। टू नाइन, थ्री टू जो 6 - 4, 2/9। बनी सेक्रीफाइस कर लो, 1/3 1/3 माइनस टू टू बाई बाय नाइन नाइन 9, 3 - 2, वन 1/9। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकला, 2:1। अरे मेरे भाई, जब आपने एज्यूम ही किया यहाँ पे कि जो बैलेंस शेयर है वो आपने पीएसआर में करेंगे, मतलब जो सेक्रीफाइस किया वो भी तो पीएसआर में कर दिया ना, कहाँ पे गलती लगी तुमसे, दोबारा चेक करो। सर एक्चुअली मैंने रेशियो दूसरा गलत निकाला था, 2/3 into 1/3 निकाला था, 3/9। सो नहीं, 2/1 था ना मेरे भाई, अब 2/3 बचा है तो 2/3 तो गिर लेगा ना वो उसका। ठीक यस सर समझ आ है गया, बेटा, यस अब मैंने सर आपको केस 2 दिखा दिया, इन्होंने एक और केस बोला है। मैंने क्या बोला, आप नेट में एंट्री करोगे, ठीक है ना, एक और तरीका हाँ इसमें करने का, जो मैंने अभी दिखाया था नेट में करने का, इसका एक और तरीका है, ठीक है। हाँ मैं उस तरीके को जस्ट डिस्कस करूंगा यहाँ पे, बट वो आपसे खुद करा दूंगा। एक तरीका है, आपने क्या किया, ये सारी एंट्रीज कर ली, ये सारी एंट्रीज कर ली, अब बोलेंगे क्योंकि उनको आप अपने पुराने नए वैल्यू पे दिखाना है, मतलब पुराने वैल्यू पे दिखाना है, तो आप इसकी रिवर्सल एंट्री करो। यहाँ आपने स्टॉक को बढ़ाया था 2000 से, आप स्टॉक को रिवर्स करो, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज की थी आपने उनको रिवर्स करते हो, क्या करते हो, रिवर्स रिवर्स करते हो। अब स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट क्या टू रिवर्स डेबिट। अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये सारा कर लिया, उसके बाद तो रिवर्स एंट्री कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवर्स अकाउंट डेबिट टू फंड अकाउंट। तो मुझे बता अल्टीमेटली क्या होगा भाई, जब आपने तो पहले किया था, पहले वहां प्रॉफिट निकला था, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब पे लॉस उसमें बात आएगी, अगर आप मेमोरेंडम वाला अकाउंट बनाओगे तो केस 3 में आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, और वी कैन डू इट बाय प्रिपेयरिंग, इसको मैं कल दोबारा दिखाता हूँ, मेमोरेंडम वैल्यूएशन वैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब आपने पहले क्या किया था, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक यहाँ पे अगर सपोज प्रॉफिट होगा, है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन लो। आपने किया, रियलिटी में प्रॉफिट हो रहा है, जब आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही एंट्री उल्टी कर दी तो क्या हो जाएगा, लॉस लॉस हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉफिट आता तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में। यहाँ पे जो लॉस आएगा उसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशो, अच्छा, न्यू और न्यू रेशो रेशो में जब करोगे ऑल पार्टनर में करोगे, क्या करोगे, ऑल ऑल पार्टनर। अब पार्टनर्स। देखो कैसे होगा, केस नंबर 1 याद करो, जब केस नंबर 1 किया था तो एंट्री इस तरह से हो गई थी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में हनी को मिला था 300, बनी को मिला था 150, ये हुआ था वन फिफ्टी हाँ पहले केस में, यही हो रहा था, हनी को मिला था जी। 300 और बनी को मिला था 150। अब आपने बोला कि भाई आपने जब ये किया, इसमें आपने क्या किया, बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखा,
आपने बोला रिवाइज वैली पे नहीं दिखाना है, तो आपने क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहले ये तो करना ही है, हनी को दे दो 300, जब रिवाइज प्रॉफिट आएगा 450, उसको करोगे हनी को 300, बनी को 150, ठीक है। फिर जब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 450। हनी बनी अब वो तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो 4:2:3, तो हनी कितना बियर करेगा, हनी कितना बियर करेगा, इसका 4/9 ना, कितना हो गया, हाँ 200। हनी 200 बियर करेगा, हनी कितना बियर, बनी कितना बियर करेगा, इंटू 2/9 हंड्रेड 100, हंड्रेड और ये कितना टू बियर करेगा, फिफ्टी फिफ्टी 150। 150। तो नेट में क्या हो गया, जब आपने इसको क्रेडिट किया 300, डेबिट किया 200, नेट में आपने क्रेडिट कितना किया 100, हाँ यहाँ पे 150 क्रेडिट, क्या डेबिट किया 100, नेट में कितना किया 50 में क्रेडिट किया, और इसको डेबिट कुछ क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, डेबिट 150 किया, तो 150 डेबिट किया, तो नेट एंट्री क्या होगा, बनी डेबिट, सनी डेबिट हो जाएगा, ये तो क्रेडिट हो जाएगा। आप देखो जब मैंने ऐसे किया तो तब भी ये एंट्री कर ली थी, अगर मैं इसको ऐसे करता तब भी यही एंट्री होती। अगर मैं सिंपल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालता, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करता, तो उस केस में क्या हो रहा था, सनी डेबिट हो रहा था 150 से, और ये तो क्रेडिट हो रहे थे 450 से। तो एक तरीका है ऐसे सीधे निकालो रफ में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये एंट्री कर दो अल्लाह अल्लाह कैसा। नहीं तो अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है और फिर बोल रहे हो बुक्स, अगर बोल रहे हो बुक्स में नई वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट करके छोड़ दो। अगर बोल रहे नहीं बुक्स में वैल्यू नहीं दिखानी है, तब आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में से प्रॉफिट होगा तो वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मेमोरेंडम में क्योंकि लॉस होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बात तो वही आएगी, ठीक है। सर ये लास्ट में फिर से समझाइए जो आपने ये मेमोरेंडम वैल्यूएशन में बोला था क्रेडिट होगा देखो इसका। देखो अब आपके तीन तरीके हो गए करने के, एक तरीका करने का है, देखो मैं समराइज करूंगा, समराइज करूंगा, प्लीज नोट करो, रिवैल्यूएशन ऑफ, चाहे तो इसको अपनी कॉपी में बना लो, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज में आपको देखना है कि पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स दो चीजें बोल सकते हैं, ए या बी, ठीक है। पार्टनर्स बोलेंगे, मैं एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, पार्टनर्स बोलेंगे वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी ऑल्टर, मतलब वो चेंज करना है, या वो बोलेंगे वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर, मतलब वो चेंज नहीं करने नहीं हैं। करना है, मतलब ओल्ड फिगर्स पे ही दिखाना है। रिवैल्यूएशन होगा बट बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं वो न्यू फिगर होगा, और यहाँ पे बोल रहे हैं ओल्ड फिगर होगा। जब न्यू फिगर होगा तो आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में, ठीक है, और बैलेंस शीट में रिवाइज फिगर्स आएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई, अगर वो बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में जितने भी चेंज हमने बोली वो आपने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दिया, तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बैलेंस शीट में नई फिगर आएगी, ठीक है, समझ आया। जी सर। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हमें आल्टर नहीं करना है, तब आपके पास दो तरीके हैं, देन यू हैव टू मेथड्स, ठीक है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, इसको भूल जाओ ये अलग चीज है। मेथड नंबर 1 है कि आप क्या करो, सिंपली कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, इन वर्किंग ओर, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया है, इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, ठीक सर
जितना उसका शेयर है, प्रॉफिट इनटू शेयर, ठीक है। और जी सर, तीसरा बैलेंस शीट एट ओल्ड फिगर, ठीक है। जी सर, एक तरीका ऐसा करने का, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, रिवैल्यूएशन का नेट में प्रॉफिट और लॉस होगा, वो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा गेनिंग पार्टनर से, और बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर आएगी। दूसरा तरीका है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, यहां तक कर लिया, नई बैलेंस शीट मत बनाओ। उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और लॉस होगा इसमें क्योंकि उल्टा होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशो में। ओल्ड रेशो न्यू रेशो खत्म, तो बैलेंस शीट में नई ओल्ड फिगर आएगी, और बैलेंस शीट फिर ओल्ड फिगर में बनेगी। अभी भी समझ नहीं आया? सर मुझे इसमें नहीं था जो आपने बोला ना कि पार्टनर्स का इतना क्रेडिट करेंगे, वही हाँ, तो इसमें क्या हो गया, जब पार्टनर्स को मैंने यहाँ पे ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, तो उनको ओल्ड रेशो में मिला, एक को दो ऐसे मिले, दूसरे को एक ऐसा मिला। जब फिर मैं उल्टा कर दिया, वहां पे लॉस हो गया, तो लॉस की वजह से उनको डेबिट हो गया ना, हाँ। तो ए को भी डेबिट हुआ, बी को भी डेबिट हुआ, सी को भी डेबिट हुआ। नेट में अगर देखोगे, ए का पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ, तो नेट क्रेडिट निकलेगा। बी को भी पहली में क्रेडिट हुआ, दूसरी में डेबिट हुआ, तो नेट क्रेडिट मिलेगा, और सी को तो डेबिट मिल गया, तो वो इक्वल आएगी जो ये एंट्री पड़ गई। वो देखोगे आप, वो इतनी ही एंट्री पड़ेगी नेट में, पर यहाँ पे दो एंट्री होगी, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री पड़ेगी, फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ उसकी एंट्री पड़ेगी। इसका मैं कल क्वेश्चन दिखाऊंगा, बट ये मैंने आज कंसेप्ट बताना था, तो आज इतना ही करेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी, कल मैं इसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, बट इट जस्ट आई गेव एन आइडिया, क्योंकि कल कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसका ओके मैं सर, कल क्वेश्चन कराता हूँ, तो बट स्टिल मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी आ जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर, ओके चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बट कल मैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक ओके सर, है। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सबक है, कल अल्लाह मिलते हाफिज़। हैं और क्वेश्चंस के साथ। ओके सर, कल हो सकता है क्लास लेट होगी या कुछ, मुझे थोड़ा सा काम है, बट क्लास होगी जरूर, ठीक है ना। बी जी सर, मेंटली मैं दो दिन प्रेजेंट, नहीं आ रही हूँ, कल भी नहीं आ रहे हो, कल और परसों क्या हुआ, सर कजन की एंगेजमेंट है, वहां पे नहीं दे पाऊंगी। कल ही है।